बच्चों, मैं रोहित प्रासर एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल बायो एक्सेल एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, रात के अभी 11:30 बज रहे हैं और इस वीडियो को बनाने के पीछे कुछ रीज़न है। मैं आप सबों के बीच में आया हूं। मैं बच्चों से जब मिलता हूं तो बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होगा हमारा बोर्ड को लेकर के, CBSE बोर्ड, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो 10th का पेपर हो, चाहे 11th का पेपर हो, चाहे 12th का पेपर हो, कोई भी पेपर है, तो कैसे उस पेपर की तैयारी करें सर। ये क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। बच्चे कंटेंट की तलाश में कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी नेट पर कभी यूट्यूब पर, अलग अलग जगहों पर वो कंटेंट की तलाश में रहते हैं, फिर भी उनको एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमने बहुत कुछ सोच रखा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, सेक्शन ई जो क्लास 10th के बच्चों के बोर्ड के एक पेपर में, साइंस के पेपर में सेक्शन ई जो आता है, जो कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड है, इस पर हम लोग बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। बच्चों, आने वाले समय में हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे फेसबुक आईडी पे, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा जो कि कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बच्चों, मैं स्ट्रेटजी का कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे तीन तरीके हैं बच्चों, जिस तीन तरीकों को फॉलो करके हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और इस प्रॉपर स्ट्रेटजी के बाद से बच्चों हम लोग ये अच्छे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। अभी तीन स्ट्रेटजी बताने के लिए बच्चों हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। डैट इज़ NCERT बुक, एक NCERT बुक को चाहिए, एक दूसरा हमें अपना सेल्फ नोट्स चाहिए, और दूसरा हमें रिविज़न करने का एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल चाहिए। एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर स्लॉटिंग बनाना होगा। हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कोचिंग्स हैं, सब कुछ के सिवाय कंटेंट की कमी है नहीं बच्चों। कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, नेट पे खोलोगे चैप्टर के नाम डाल करके तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। लगभग मोर और लेस सब कंटेंट बराबर हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ दूसरे का कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि वो कंटेंट आप खुद तैयार करो। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, हाउ टू गेट 95% इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके क्लास 12th के हों, चाहे क्लास 10th के हों, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, तो उस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप कैसे 100% गेन कर सकते हैं, 95% गेन सकते हैं, तो उसका एक ही आंसर है, डैट इज़ द प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले बात करते हैं NCERT बुक की। बच्चे क्या होता है, कभी कभी क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, कोचिंग्स में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, जनरली देखते हैं कि NCERT बुक भी पढ़ ले, एस चांद भी पढ़ ले, सीजन भी पढ़ ले, कॉर्डोवा पढ़ ले, पियर्सन पढ़ ले, बहुत सारे बुक को पढ़ ले, लेकिन नतीजा क्या मिलता है, ना हम इस बुक को ग्रिप कर पाए, ना उस बुक को ग्रिप कर पाए। जितने भी बुक्स हैं, किसी भी बुक्स को हम लोग ग्रिप नहीं कर पाते हैं। उससे बेहतर मैं बताता हूँ यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना है 4 times रीडिंग का। कितना स्ट्रेटजी बनाना है बच्चों, 4 times रीडिंग का स्ट्रेटजी बनाना है, और इस 4 times रीडिंग से बच्चों हम लोग NCERT को ग्रिप कर सकते हैं। उठाना क्या है कि बच्चों, पहला स्ट्रेटजी जो है NCERT बुक का, इसमें NCERT बुक को 4 stage में पढ़ना है। एक बार पढ़ना है कंप्लीट थ्रू आउट स्टडी। थ्रू आउट स्टडी में मान लीजिए मैं बायो का एक चैप्टर उठाता हूँ लाइव प्रोसेस, या मान लीजिए मैं उठाता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या मैं नीट का कोई पेपर उठाता हूँ, तो उसमें करना क्या है कि पहले थ्रूली पूरे चैप्टर को पढ़ना। 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, जितने देर लगे, सारे टाइम को कंप्लीट उठाना है, और उठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट रीड आउट करना है। रीड आउट करने पर क्या होगा, बहुत चीज़ हमें नहीं पता होगा उसमें, उस चीज़ों को अंडरलाइन करना है, वहाँ से निकाल करके अपने कॉपी पे डाल देना, पेजेस पे लिखना है, उस चीज़ का सर्च करना है, अपने फैकल्टी से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, और उस चीज़ का डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग उस चीज़ से डाल करके कंप्लीट उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो दोबारा पढ़ते समय हमें मिलेगा क्या बच्चों, कि बहुत सारे चीज़ें हमें पहले से पता होंगी। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जब पता है तो उन सारी चीज़ों को ग्रिप करना, और इसी में जो तीसरा स्टेप है बच्चों, रिवीजन करना। तो रिवीजन NCERT के रिवीजन्स के लिए हम लोग बच्चों PYQ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्या करना है, बहुत सारे और सैम्पल पेपर हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो सैम्पल पेपर उठाइए, क्वेश्चन को आउट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन लाइव प्रोसेस का है, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकालने के बाद उन क्वेश्चनों को लाइन कीजिए, और लाइन करने के बाद उन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कि उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन आंसर उस क्वेश्चंस का आंसर खोज करके बच्चों हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो ये पहला स्ट्रेटजी था NCERT बुक को डील करने का। दूसरा स्ट्रेटजी है कि बच्चों, जब क्वेश्चन बनाते समय बहुत कुछ हमें ऐसा मिलेगा जिसका आंसर हमें नहीं पता होगा, या बहुत सारा कुछ ऐसा मिलेगा जिसका आंसर हम याद नहीं कर सकते हैं, या हमें याद नहीं रहता, तो उन सारे चीज़ों को नोट्स में बुलाइए, नोट्स में डाल करके रखिए, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो चीज़ आपको याद नहीं रहता उसका आपको एक स्ट्रॉन्ग रिविज़न नोट्स बन जाएगा।
उसके बाद जो तीसरा आता है आपका नोट्स तैयार हो चुका है, तीसरा स्टेप है रिवीजन। तो रिवीजन का एक प्रॉपर स्लॉट बनाइए कि हमको पार्टिकुलर चैप्टर पर 10 मिनट देना है, पार्टिकुलर चैप्टर पर 20 मिनट देना है। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं बच्चों एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, तो इस प्रॉपर स्ट्रेटजी से हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। वो कहता है ना कि मेहनत करते रहोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत करते रहोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, जिससे आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के डेट हार्ड स्टडी का नहीं है, हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का स्टडी है। स्मार्ट स्टडी कीजिए। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। इन सिंगल अटेम्प्ट आप नीट निकाल सकते हो, इन सिंगल अटेम्प्ट आप जेई एडवांस निकाल सकते हो, मेंस निकाल सकते हो, और बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। एक पार्टिकुलर एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके, एनसीईआरटी बुक में उतनी ताकत है कि वो कंप्लीट आपको डॉक्टर, इंजीनियर और आप जो बनना चाहते हो, इवन इनफैक्ट कि आप आईएएस बनना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, तो आप एक सिंगल एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके कर सकते हो। तो अगर आप मल्टीपल बुक्स में फंसे हुए हैं बच्चों, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रॉम बॉटम ऑफ द माई हार्ट, आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गेन द पावर ऑफ द एनसीईआरटी। सो बच्चों एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नए हैं तो शेयर करना नहीं भूले। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अभी बच्चों देखिए, अभी मैं कंप्लीट मरीन ड्राइव पर खड़ा हूँ। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि भाई कैमरा रोटेट करके ज़रा मरीन ड्राइव का व्यू दिखाया जाए, जिससे मैं आपके लिए एक कंप्लीट बना सकता हूँ, एक कंप्लीट मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए कंप्लीट जो दिख रहा है सिनेरियो, ये कंप्लीट सिनेरियो। मैं जब अपने स्टूडियो में था, तो स्टूडियो में मैंने सोचा कि वो वाइब्स नहीं आएगा आपको समझाने में, अगर आप देखते हो तो वो वाइब्स आपको मिल सकता है। इसमें हम लोग बच्चों कंप्लीट अगर बात करेंगे, तो कंप्लीट बात करने पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसमें और बाकी चीज़ों को करने के लिए हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा सारा कुछ का एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है बच्चों। इसमें हम कंप्लीट देखिए बहुत कुछ करने के लिए मैंने सोचा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये होने वाला है। और कुछ समय लग रहा है बच्चों उसके लिए सॉरी, बट मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कुछ भी हो वो कंप्लीट हम लोग एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बी फ्री, एवरीथिंग किसी कंटेंट के लिए, 10th के, 11th के लिए, 12th के लिए नोट्स, और नोट्स इतना सटीक होगा बच्चों। मैं अभी देखिए, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, आज से लगभग 4 से 5 मंथ अभी बचे हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, मैं जो बता रहा हूँ इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा बच्चों, तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगा। और 90% कौन पूछता है बच्चों, 95% आप गेंद कर सकते हो। तो कुछ स्ट्रेटजी और भी बच्चे हैं, बचे हुए हैं, उन स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे यूट्यूब पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूले। फेसबुक आईडी भी डाला हुआ होगा, सारा कुछ डाला हुआ हो। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।